खबर गुना से, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम आम आदमी पार्टी ने महंगाई के विरोध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। महंगाई के पार्टी ने पुतला फूका, बाद में पुतले से उत्पन्न कचरे की सफाई की। आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, जिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। बुधवार को पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जयस्तंभ चौराहे से महंगाई के विरोध में एक रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई हनुमान चौराहे पर आकर पुतला दहन किया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन में बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के संबंध में सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस महंगाई को नियमित नहीं करेगी तो पार्टी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गुना लोकसभा उपाध्यक्ष डॉ. अमित शर्मा द्वारा बताया गया कि आज लगातार बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम आदमी की जिंदगी मुसीबत में पड़ती जा रही है। लगातार डीजल, पेट्रोल और LPG के दाम भारत के इतिहास में सबसे अधिक है। यदि सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो आम आदमी पार्टी आंदोलन को उग्र और व्यापक बनाने के लिए मजबूर होगी। लेकिन पार्टी की इस रैली में खास बात यह रही कि जब हनुमान चौराहे पर महंगाई विरोधी पुतला दहन किया गया, तो पुतला दहन के बाद उससे होने वाले कचरे को पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत ही साफ कर दिया गया। अभी तक जिस पार्टी ने जिस भी जगह पुतला दहन किया है, उसमें पुतला दहन के बाद कचरे को जैसा का तैसा छोड़कर चले जाते थे। आम आदमी पार्टी ने शहर को स्वच्छ अपना समझते हुए जिम्मेदारी भी निभाई। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, वो किस संबंध में किया गया था? जय हिंद साथियों, आज आम आदमी पार्टी के द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है, और यह ज्ञापन बढ़ती हुई महंगाई जो आज देश में है, उस हेतु आज आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन पेश किया है। आज जो महंगाई है वह भारतीय इतिहास में सबसे अधिक है। आज डीजल पेट्रोल के दाम भारतीय इतिहास में सबसे अधिक उच्च पायदान पर हैं। न सिर्फ पेट्रोल, बल्कि आप देखेंगे घर में रसोई में उपयोग किए जाने वाले LPG भी आज सबसे ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रही है। आज इस महंगाई से न सिर्फ एक आम आदमी, बल्कि व्यापारी, किसान, हर वर्ग का आदमी जो है त्रस्त है। इस हेतु आज आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को आज ज्ञापन दिया है, और हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं, या आशा करते हैं कि आगे महंगाई को कम करने के लिए विशेष नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। इस हेतु आज हम ज्ञापित करते हैं और जनता से अपील करते हैं कि महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जनता साथ दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अमित शर्मा, मैं लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। बताइए, आज जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस मामले में कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी महंगाई के खिलाफ में, प्रदर्शन कर रही है कि आम आदमी पार्टी आम जन के हित में खड़ी हुई है। मोदी सरकार ने महंगाई विगत 7 वर्षों में इतनी बढ़ा दी है कि 350 का सिलेंडर 1100 रुपये में हो गया है, 60 रुपये का पेट्रोल 120 रुपये में हो गया, 40 रुपये का डीजल 110 रुपये में हो गया। तो आखिर मोदी जी इतना महंगाई बढ़ाकर क्या करेंगे? हम आम आदमी पार्टी के आम जनता के हित में खड़े होंगे। यदि मोदी जी नहीं मानते तो आगामी आने वाले 15 दिनों में हम एक जन आंदोलन देशव्यापी करने जा रहे हैं। वो उग्र आंदोलन होगा, उसकी जवाबदारी मोदी जी की खुद की होगी। भारत माता की जय।